हरे कृष्णा दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट्स की वेडनेसडे के लिए। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आज का दिन यानी मंडे का ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको समझाना चाहूंगा और ये एक लर्निंग है आपके लिए, आगे भी काम में आएगी। देखिए, कल छुट्टी है गणेश चतुर्थी की और होता क्या है ऐसे में कि आज अगर कोई ऑप्शन आप सेल करते हैं और वो सही पड़ता है तो वो परसों सीधा जीरो होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 45,500 का कॉल बेचा, ऑलमोस्ट एक टाइम पे 60 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, बंद हुआ वो 20 रुपए पे, तो 40 रुपए का फायदा है और अभी ओवरनाइट प्रीमियम मिलेगा मुझे, तो बहुत इजी था ये 50-60 रुपए कमाना। ऐसी सोच बहुत सारे लोग लेके रखते हैं, मैंने कॉल बेचा, कोई पुट बेचता है, इस तरह से ऑप्शन सेलर ज्यादा एक्टिव हो जाता है जब उसको दिखता है कि एक दिन की छुट्टी है और मार्केट भी जिस एरिया में है, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, बायर्स एंड सेलर्स बहुत एक्टिव हैं। मतलब सेलर्स को लग रहा है कि भाई ऑल टाइम हाई के आसपास है, मार्केट रेजिस्टेंस है, बेचो। बायर्स जो कि एक इतना अच्छा ट्रेंड देख रहे हैं, हर एक डिप पे बाइंग आती है, तो मार्केट रेंज बाउंड हो गई है। निफ्टी ने आज पूरा दिन 30-35 पॉइंट्स की रेंज में काम किया। बैंक निफ्टी 40-50 पॉइंट्स के मूवमेंट से ज़्यादा मूवमेंट दे ही नहीं रहा था, इनफ फ्लो। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज थी, बट 40 पॉइंट गिर के 25-30 पॉइंट चढ़ना, फिर चढ़ना तो गिरना। यहाँ पे एक ट्रेड बहुत अच्छा मिला आपको, मैं दिखाऊंगा अभी चार्ट पे चल के। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, फिन निफ्टी में हमने लिया और हमें ऑलमोस्ट 40% रिटर्न मिला। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर और होल्ड किया होता, वॉलेटिलिटी को रखा होता, तो डबल भी हो जाता, बट बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है और जब भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है ऑप्शन सेलर को, ये पता पड़ता है कि भाई अगर उसने आज कुछ सेल किया, कल के दिन की छुट्टी है, बैठे बैठे प्रीमियम का फायदा मिलने वाला है, तो सेलर्स थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में बायर्स थोड़े से कम एक्टिव होते हैं और यहाँ पे इस चीज़ का फायदा उठाया जाता है मार्केट को साइडवेज रख के प्रीमियम मीटिंग करने के लिए। तो आज ऐसा ही एक दिन था, मार्केट साइडवेज रही और ये अब हम चार्ट पे चलकर डिस्कस करेंगे कि वेडनेसडे को क्या हो सकता है मार्केट में, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी का क्या लग रहा है और कौन से स्टॉक्स हैं जो वेडनेसडे को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। तो हम आ गए स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी में आज कुछ खास नहीं हुआ, एकदम छोटी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल और ओपन इक्वल्स टू लो है, आप लगभग देख सकते हो हम 50 पॉइंट नीचे खुले थे और लगभग वहीं कहीं बंद हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं है। मैंने आपको एक क्लियर कट चीज बोल रखा हुआ पिछले कई दिनों से, आपको लगातार बता रहा हूँ, पिछले दिन के लो के नीचे क्लोजिंग आए या कंटिन्यूसली ट्रेडिंग हो तो वो फर्स्ट साइन ऑफ ट्रू वीकनेस होता है। ऐसा नहीं हो रहा है अभी भी, किसी भी दिन आप देखोगे पिछले दिन के लो के नीचे मार्केट नहीं जाती है, डिफेंड कर जाती है, पिछले दिन का लो मार्केट डिफेंड कर जाती है। तो जब तक यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी ना दिखे, आप बिल्कुल भी यहाँ पे ओवर यू नो एग्रेसिवली वीकनेस की तरह पुट साइड पे मत सोचिए, यहाँ पे आप माइल्ड ट्रेडिंग कीजिए। और बाइंग साइड का मोमेंटम भी हैवी तभी आता है जब मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर निकलते, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकले बड़ा कैंडल, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निकले बड़ा कैंडल, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर काम होना चाहिए। पिछले दिन के हाई के ऊपर अगर हम नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ पे, और पिछले दो दिन का हाई अगर लगभग कॉमन है, तो उन दोनों के ऊपर मार्केट को निकलने दीजिए। यानी यहाँ पे बड़ी तेजी के लिए हमें निफ्टी को 20,210-220 इस एरिया के ऊपर कुछ ट्रेडिंग करते हुए देखना पड़ेगा, फिर वहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई हम पिछले दिनों के हाई के ऊपर निकले हैं। या फिर लो साइड पे अगर हम बात करें तो 20,120-110-115, और आपको वीकेंड पे मैंने बोला इस पूरे वीक के लिए 20,100 एक बहुत स्ट्रांग लेवल है, और 20,100 के नीचे 20,000 का लेवल, अब एक ग्राउंड लेवल जो पहले नहीं टूट रहा था टूट चुका है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये दो लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं, मगर ये सबसे पहला साइन होगा अगर ये लेवल टूटता है। जब तक ये ना टूटे मार्केट विल होल्ड इटसेल्फ, ये आपको मैंने बोला था। अभी यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है उसकी बात करते हैं, और इनफैक्ट आपको पहले अपना फिन निफ्टी का ट्रेड दिखाता हूँ। तो आज मेरा एक छोटा मोटा ठीक ठाक सा प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे मैंने अपना जो है आईडी उसको हटा रखा है, अभी हाइड करवा रखा है यहाँ पे। अभी दोस्तों इधर आप देख सकते हो कि ये ट्रेड था मेरा, मैंने यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट पे एंट्री ली थी और ये मेरा ट्रेड था जिसको मैंने पार्ट्स में बुक किया था। मैंने कुछ पार्ट यहाँ पे माल बेचा था, उसके बाद बाकी का मैंने थोड़ा सा इधर बेचा, और अगर नहीं बेचा होता तो इसमें एक बार को 88-89 का हाई भी लगा, मैंने लेट से 75 पे बेचा, बट दिस इज अ गुड प्रॉफिट। आप देखोगे यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी 1:5 ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक भी समझाऊंगा और ये ट्रेड भी दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने 11:45 पे पुट दी थी 20,500 की, अपने डायरेक्ट मेंबर्स को भी दी थी 11:45, यही एग्जैक्ट लोएस्ट ये पॉइंट है, और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करी हमने, ये ट्रेड लिया, साफ सुथरा प्रॉफिट बुक किया, एक बैंक निफ्टी में लिया था उसमें छोटा सा प्रॉफिट मिला, मगर जब मार्केट रेंज बाउंड हो तो जो मिल जाए वो ले लेना चाहिए, बट दिस वॉज रियली गुड। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है,
ये रेंज है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अभी हम लोअर एंड के आसपास से कहीं पे बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एस सच में ये नहीं बोल सकता कि ब्रेकडाउन हुआ है। प्लस जैसे आपको मैं बोल रहा था कि भी कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं मिल रहा, देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है फिर रिट्रेसमेंट आ जाता है, बाइंग आती है फिर सेलिंग आ जाती है, या सेलिंग की बात करोगे तो सेलिंग आती है तो फिर पहले उसमें बाइंग आती है फिर सेलिंग आती है, तो फ्लो में बड़े मोमेंटम जैसे ये एक बड़ा मोमेंटम था क्लियर कट, ऐसे मोमेंटम्स की कमी है मार्केट में, और ऐसे मोमेंटम्स जो एक डायरेक्शनल शार्प फॉल या फिर शार्प बाइंग आती है वो ऑप्शन बायर को चाहिए होता है। अभी रीजन आपको मैंने बताया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। एनीवेज यहाँ पे देखिए, अगर बैंक निफ्टी इस एरिया के नीचे ट्रेड करता है, ये जो सपोर्ट एरिया इसके नीचे ट्रेड करता है अगले सेशन में, तो अगला सपोर्ट इसको जो है वो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, वो है 45,840, 850, 800 ये वाला एरिया, तो ये एरिया की तरफ बैंक निफ्टी हेड कर सकता है। और यहाँ पे हम इधर बंद हो रहे हैं, अभी लेट्स से गैप अप खुल जाता है 46,050, 60, 70 इस एरिया में, तो फिर वापस यहाँ पे हमें इसी एरिया में ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बट लेट्स से बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो ये कोशिश कर सकता है एक बार को, कि क्योंकि 46,000 के नीचे है कि 46,000 के नीचे 45,900, 800, 850 ये सब एरियाज को टेस्ट करे पहले, फिर वहां से डिमांड आती है तो ऊपर जाए, तो आपके लिए परफेक्ट ट्रेड एक्सपायरी के दिन में यही होगा। अगर मार्केट इधर कहीं पे खुल जाती है जहाँ पे बंद हो रही है 46,000 के थोड़ा सा नीचे, तो आप 100, 150, 200 पॉइंट के लिए एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। बट अगर लेट से ये 46,000 के ऊपर ही कहीं पे खुल जाता है तो फिर वहाँ पे अगेन आपको ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस है, हर कदम पे ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो यहाँ पे मार्केट को एक बार रिजेक्शन मिला, फिर दोबारा मिला, फिर तिबारा मिला, तो ये एरिया रिजेक्शन का काम करेगा, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन है, फिर इधर रिजेक्शन है, तो इसको ऊपर अपसाइड में आपको कंटिन्यूस फ्लो वाला बड़ा मोमेंटम मिलने में डिफिकल्टी होगी, अंटिल एंड अनलेस वर्ल्ड मार्केट से कुछ बहुत अच्छा हो, जो मैं एक्सपेक्ट थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कैसे प्लान करूंगा एक्सपायरी का दिन, अगर मैं अपनी बात करूं, देखो मैं एक्सपायरी के दिन पे देखो ये गैप था ये फिल हो गया, अभी मैं यहाँ पे मार्केट अगर मेरे को मिलती है लेट्स से 960 के नीचे, 45,960 के नीचे अगर मुझे मिलता है ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है ये फ्लैट खुले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुले बट इसके नीचे ये टिकता है थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है, तो मेरा टारगेट जो है वो रहेगा लगभग 850, 860 का, तो यहाँ पे मैं 100 पॉइंट के लिए प्ले करूंगा, उसके बाद मैं उसको ट्रेडिंग में डाल दूंगा। हो सकता है इसके नीचे मुझे 100 पॉइंट और मिल जाए, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट कुछ और मिल जाए, बट मैं 100 पॉइंट के लिए एक शॉर्ट फेट का ट्रेड प्लान करूंगा। वहीं पर अगर ये लेट्स से गैप अप खुल जाता है कहीं पे 45,050 के ऊपर या 46,050 के ऊपर, 46,000 के ऊपर कहीं पे, 46,000, 50, 40, 60 इस एरिया में, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा स्कोप ऑफ बाइंग नहीं है। एक बाइंग का ट्रेड थोड़ा सा छोटा सा मोमेंटम के लिए आप प्ले कर सकते हो इस लेवल के ऊपर 46,150 के ऊपर, बट अगेन 80-90 पॉइंट्स के लिए प्ले कीजिएगा, हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए, कोई शॉर्ट कवरिंग आ जाए, कुछ आ जाए, बट लुक्स डिफिकल्ट, तो आपको अपने टारगेट छोटे रखने हैं, उसके बाद आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर पार्ट बुकिंग करके कुछ को आप राइड करते रह सकते हैं, अगर आपको कुछ बड़ा मोमेंटम मिल जाए तो दैट्स वेल एंड गुड। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ट्रेड अपना प्लान करना चाहिए, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, इसके अंदर यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे एक दो चीज़ों की और, तो देखो मैं फिन निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा आपको, फिन निफ्टी का 1 आवर का चार्ट खोलूंगा आपको अपना, ये मैंने जो ट्रेड है ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी दिया था, तो उसके टारगेट्स ही अभी आ रहे हैं। मैंने कॉल्स बेची हुई थी एक और दूसरे अकाउंट में जहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, वो जीरो हो गई, आज की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की बेची हुई है, उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, खत्म हो गई। देखो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना था फिन निफ्टी के अंदर, फर्स्ट टॉप ईयर सेकंड टॉप ईयर, एम पैटर्न कहते हैं इसको, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। सुपर मार्केट इधर ही यहाँ पे छोटी सी रेंज में काम कर रही थी, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट डाला था कि एक रेंज बाउंड मार्केट है, उसके बाद जब ये बाउंस किया तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे 500 के राउंड लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था और ये मेरे रिवॉर्ड्स थे, 1:7:8 होगा ये ऑप्शन बाइंग के अंदर। अगर मैं बात करूंगा तो मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, बाकी का मैंने ऑप्शन सेलिंग करके, जब ये मोमेंटम आ गया, ब्रेकडाउन आ गया जैसे चाह रहे थे हो गया, फिर मैंने ऊपर के कॉल्स को जो छोटा सा प्रीमियम बचा था वो खाने के लिए बेच के छोड़ दिया, और यहाँ पे फिर से एक बार साइड में जाके हम फर्दर ब्रेकडाउन देख रहे हैं। देखो फिन निफ्टी के लिए अगर हम बात करेंगे ना, अगला सपोर्ट तो 340-350 इस एरिया में, बट मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि मार्केट नीचे के टारगेट्स या तो गैप डाउन खोल के दे देगी, यानी ऐसा नहीं मैं मान पा रहा हूँ कि मार्केट लेट्स से यहाँ पे कहीं पे खुलेगा फ्लैट थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा, ये लेवल तोड़ेगा और इतना इजी ट्रेड देगा कि हम लोग शॉर्ट करें और यहाँ पे कमाएं, या तो ये थोड़ा बहुत गैप डाउन ही खोल देंगे जहाँ पे सपोर्ट है वहीं पे, तो फिर वहाँ से क्या है कि एक बाइंग हैपनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट मिल सकता है अगले सेशन में, यहाँ पे आपको ट्रैप जोन में मार्केट है, मैं ऐसा बोलूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा। तो 46,000 के ऊपर अगर मार्केट खुले तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा जो आपको मैंने लेवल्स बताए, सिर्फ और सिर्फ अच्छा केस सिनेरियो यही होगा कि मार्केट आपको जो अभी हमने डिस्कस किया कि इतना ईजी देगी नहीं, बट अगर दे देती है तो आप 80-90-100 पॉइंट्स के लिए एक्सपायरी के दिन पे इस बार प्ले कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें तो निफ्टी के अंदर आपको मैंने अभी ऑलरेडी दिखाया भी कि
कुछ ज्यादा दम नहीं है यहाँ पे। देखो रीजन यहाँ पे यही है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया हुआ है। अभी ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक बार सेलिंग आया, फिर उसी एरिया के ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं जा पाई है, वहीं पे कहीं पे जहाँ से सेलिंग आया। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट अगर टाइम स्पेंड कर रही है, लेट से अगले चार दिन, पांच दिन, दो तीन दिन और मार्केट यहीं पे कहीं पे बनी रहती है, नीचे आती है तो इंट्राडे में बाइंग आ जाती है, कैंडल कुछ इस तरह की बन जाती है, ठीक है, मार्केट इंट्राडे में नीचे आई और डिमांड आ गई, बंद हो गई कैंडल इस तरह से, ये सब साइन होंगे कि सेलर्स जो है ट्राई तो कर रहे हैं बट मार्केट को नीचे नहीं ला पा रहे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे सेलर्स। उस केस में फिर मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ पे क्योंकि फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर ये ऊपर जा सकती है। बट अगर यहाँ पे मार्केट को लेट से फर्दर शार्प सेल ऑफ में आना है तो ये जो पिछला हाई है ये अभी सपोर्ट का काम करने वाला है, इसके नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे एक डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे फिबोनाची लग जाएंगे, यहाँ पे डाइवर्जेंसेस आ जाएगी, अलग अलग चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट में कोई ऐसा एक कैंडल फिर दो कैंडल फिर तीन कैंडल बड़े बड़े सेल ऑफ आ जाए। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम डाउन देन इट विल गेट रिकवर्ड। सो यहाँ पे आपको आपको अगर सेलिंग करनी है मार्केट में तो पिछले हाई के नीचे आने का वेट कीजिए। बैंक निफ्टी भी अभी अच्छे लेवल पे बंद हो रहा है तो यहाँ पे आपको अभी वीकनेस की अगर वेट करनी है तो फर्स्ट साइन विल ऑलवेज बी कि पिछले दिन के नीचे हम बंद हो रहे हैं। सेकेंड साइन विल ऑलवेज बी कि आपको मार्केट के अंदर पिछला जो कोई रेजिस्टेंस था या सपोर्ट है वो टूटता हुआ दिखेगा। इन चीज़ों का आप वेट कीजिए। और देखो विक्स भी देखोगे तो डाउन ही है, कोई ज़्यादा अप नहीं है। विक्स बढ़ेगा, विक्स में स्पाइक्स आएंगे या ग्लोबल मार्केट से कोई वीकनेस आएगा, आप देख सकते हो नैस्डैक डाउ जोन्स फ्यूचर्स आर गुड। सो यहाँ पे कोई इवेंट चाहिए, कोई न्यूज़ चाहिए जिससे ये सब हैपनिंग होगी। सेलिंग जरूर आनी चाहिए यहाँ से आने वाले दिनों में। मार्केट 2-4% 5% और बढ़ भी जाती है, लेट से 4% निफ्टी के लिए हो जाता है आज की डेट पे 800 पॉइंट यानी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से सोचोगे या देखोगे कि भाई कितना मार्केट चल गई है उसके सामने और कितनी जगह बाकी है तो डेफिनेटली यहाँ पे इतनी बड़ी रैली के बाद वी कांट एक्सपेक्ट कि मार्केट इसी स्पीड से 30,000 भी पहुंच जाएगी या 24,000 भी पहुंच जाएगी। ये 20,000, 400, 500, 21,000 मगर कंपेरेटिवली यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है। तो आपको अगर सेलिंग की इच्छा हो रही है दैट्स अंडरस्टैंडेबल, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मौका मिलेगा। बट साइंस जो आपको मैंने बताया वो उनका वेट कीजिए, सपोर्ट टूटने का या पिछले दिन के नीचे काम करने का, ठीक है। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। देखो बजाज के अंदर अभी भी अच्छा पैटर्न है, हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन ये रेंज में फंसा हुआ है, रेंज नहीं तोड़ रहा है। अभी यहाँ पे चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे जैसे दिन बिता रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट ये स्टॉक ऊपर की तरफ दे दे, क्योंकि ये खुद को होल्ड कर रहा है। होल्ड कहाँ पे कर रहा है? रेजिस्टेंस के ऊपर। इसी तरह का एक्शन निफ्टी के अंदर भी दिखना चाहिए जो अभी हमें थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया है, 2-3 दिन से मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर रुक गई है। तो यहाँ पे अगर ऐसे ऊपर जाके ऐसे रुक जाती है तो वो फ्लैग पैटर्न का फिर ब्रेकआउट होता है जो कि इसको ऊपर ले जा सकता है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर अगर 1560 के ऊपर ट्रेडिंग होती है, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी बट गया ही नहीं 1560 के ऊपर। तो यहाँ पे 1560 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको बड़ा मोमेंटम दे सकता है, 1600 के ऊपर के टारगेट्स आपके रहेंगे और आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 15 रुपये का रखना है। तो 40-50 रुपये के लिए 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। सेकंड स्टॉक यहाँ पे रहेगा एलएनटी। एलएनटी के अंदर हम देखेंगे तो काफ़ी वीकनेस का साइन मिल रहा है प्राइस एक्शन से। यहाँ पे ये जो स्पाइक लगा हुआ है ये अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया बन चुका है। इसके अंदर जब भी ये आएगा यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलना तय है। तो आपको दो चीज़ें हैं, या तो ये इस एरिया के ये जो सपोर्ट बनाया है इसने इसके नीचे ट्रेड करे तो ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, वो एक शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो एलएनटी में मेरी नज़र है या तो 2890 के नीचे ये ट्रेड करे तो वो एक बहुत ही ईजी प्रॉफिट रहेगा हमारे को, 2850 के लिए 40 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा अगर ये किसी कारण से ऊपर चला जाता है, स्पाइक मारता है, तो इस एरिया में जो पूरा ये जो विक वाला एरिया है इस एरिया में इसको जहाँ पे भी आपको साइन ऑफ वीकनेस मिले या रेड कैंडल मिले या फिर रिवर्सल का आपका सेटअप है उस पर काम करे, सेल कीजिए इसको, फिर ये वहाँ से इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा। बट ये सेलिंग एरिया में अब आ जाएगा एलएनटी में। यहाँ पे अब मुझे अपसाइड बहुत बड़ी बहुत शार्प आ जाए आई एम श्योर नहीं आएगी। तो यहाँ पे या तो सेल ऑन राइज या फिर सेल ऑन सपोर्ट ब्रेक, ये दोनों चीज़ें हमें करनी है। तो ये हमारे पास एलएनटी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नज़र रखिए इस स्टॉक के ऊपर भी। एक आखिरी स्टॉक जो यहाँ पे मेरी नज़र में आया वो है यहाँ पे एलटीआईएम। देखिए एलटीआईएम के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे अभी हमने बात करी निफ्टी में भी TCS अच्छा कर रहा है, बाकी IT स्टॉक कुछ कुछ ठीक कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर एकदम साइडवेज पैटर्न बन गया। अगेन ये एक अपसाइड पैटर्न होना चाहिए, चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ निकलेगा। और ये स्टॉक आप देखोगे तो इसने काफ़ी लंबे समय से इसी एरिया में काम किया है। अभी इस इतनी बड़ी रेंज को अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो इसमें जितनी बड़ी ये रेंज थी उतना ही बड़ा ऊपर का टारगेट ये इस एरिया की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत बड़े टारगेट्स हैं, 6000 प्लस के टारगेट हैं मेरे तो एलटीआईएम के अंदर। कैश में आप इसको लेना चाहते हैं तो एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशन पे है, मिल रहा है आपको ले लीजिए। उसके अलावा अगर आपको इसको फ्यूचर्स में लेना है
तो भी ब्रेकआउट का वेट कीजिए, जिस भी दिन ब्रेकआउट आएगा ये बहुत बड़ा फ्लैग पैटर्न है, फिर इसके टारगेट्स आपको बहुत बड़े मिलेंगे। और ऑप्शन में जिनको काम करना है इसको 5550 के ऊपर बाय कीजिए जब भी आपको निकलता हो दिखे, और आपको सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, और आपके टारगेट जो है लगभग 300 से 400 पॉइंट के होंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा बहुत फास्ट मोमेंटम इसमें पेंडिंग है, तो LTIM बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे पॉइज्ड है। और अगर ये IT स्टॉक्स के हम चार्ट देखेंगे तो इनमें जगह है ऊपर की, तो अगली रैली या अगला पुश निफ्टी को IT से मिल सकता है डेफिनेटली। बैंकिंग स्टॉक्स कुछ हैं जो ऊपर जा रहे हैं जैसे PSU बैंक्स, बट कुछ एग्जॉस्टेड हो गए, तो बैंक निफ्टी काइंड ऑफ मेंटेन करेगा खुद को आने वाले दिनों में, बट IT में जगह है। तो आई विल प्रेफर टू बाय IT स्टॉक्स अगर निफ्टी में रैली कंटिन्यू रहनी है, तो IT स्टॉक्स पे नजर रखिए बना के, अभी भी जगह है, इनमें अपसाइड है और बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं। सबसे बढ़िया मुझे LTIM में ही अपॉर्चुनिटी लग रहा है, तो इस पे आप जरूर नजर रखिए। आपको लेवल्स मैंने बता दिए, एक पैटर्न बता दिया है, एंड आपको ये जरूर काम करता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। जस्ट यू नीड टू हैव पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ सेलिंग कुछ बाइंग आइडियाज, इंडेक्स एक्सपायरी, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। हरे कृष्णा।